शाहरुख खान आखिरी बार ब्रह्मास्त्र में एक छोटे से कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। उससे पहले तकरीबन 4 साल तक शाहरुख खान बड़े पर्दे से दूर रहे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 साल शाहरुख खान जवान पठान और डंकी की शूटिंग में बिजी थे। जब शाहरुख खान ने वापसी की तो बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दे डाली। पठान और जवान दोनों ही फिल्मों ने एक के बाद एक लगातार 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब किंग खान की अगली फिल्म डंकी का इंतजार कर रहे हैं, जिसे बॉलीवुड के मशहूर राइटर राजकुमार हिरानी ने लिखा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर हल्ला इस बात को लेकर हो रहा है कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, बल्कि रीमेक मूवी है, जो कि मलयालम फिल्म की रीमेक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ट्वीट किया है, डंकी शाहरुख खान की अपकमिंग महंगा बजट मूवी जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं, वो असल में दुलकर सलमान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म कॉमरेड इन अमेरिका CIA का अनऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म की टक्कर 22 दिसंबर को रिलीज होने जा रही प्रवास की फिल्म सलार के साथ होगी। कॉमरेड इन अमेरिका की स्टोरी डंकी फिल्म से मिलती जुलती है। डंकी शब्द का मतलब होता है अवैध रूप से किसी देश में घुस जाना या पलायन करना। इस मूवी में दुलकर सलमान और कार्तिका मुरलीधर मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म केरल के एक कम्युनिस्ट अजी जो अपनी प्रेमिका सारा से मिलने के लिए लेटिन अमेरिका और मैक्सिकन सीमा के माध्यम से अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करते हैं, इससे पहले कि वह किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर हो जाए, उसे रोकना चाहते हैं और अमेरिकन पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। डंकी की मूवी रीमेक होने के कारण ट्विटर पर कई ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिनमें डंकी को CIA का रीमेक बताया जा रहा है। यूजर ने लिखा है, कम से कम राइट्स खरीद लेते। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, अभी मुझे एक टीम मेंबर से पता चला कि डंकी असल में मलयालम फिल्म का CIA का एक सस्ता रीमेक है, कम से कम फिल्म के राइट्स खरीद कर रीमेक बनाओ, ऐसे चीप ट्रिक मत खेलो शाहरुख खान। एक तरफ जहाँ इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह फिल्म रीमेक है या नहीं, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ये डंकी CIA का रीमेक है या नहीं, ये तो फिल्म देखकर ही मालूम चलेगा। वैसे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।